बहुत दौड़ना पड़ता था। मन स्टेल मतलब मैं एडमिशन ले रहा है जब पहला सुलभ कर दिया करता था गंगा नगर साइड आप होती हो कैसे आया था सुलभ कोई कोई भवन में रहता दो महीना एग्जाम में पहला तैयारी करने का सबसे बढ़िया सपोर्ट है ना ये हो जैसे मैं अपना लाइब्रेरी शुरू की थी हाँ सुबह आपका धीरे कर 8 बजे आपका ना रात का सबकी लेट भेज आता आना चाबी मौत शुरू की थी लेकिन तो मस्ती में चली दादी घड़ी बात आई कि मैं स्कूल नहीं हो एग्जाम में पहला 10 मिनट टाइम था तो थोड़ा टाइम कम था हालांकि सब होशियार सुना था मतलब स्टैंड को जो घंटे तो 16 ग्राम था मुश्किल भी 10-15 जाना भेजा होकर 10-15-16 रन में लगभग सब इंटेलिजेंट था सब पढ़ा हुआ था मैं कहा कि बेटा थी आपका थोड़ी दूरी थी ज़्यादा तो आगे तो अभी आनो जानो सेट नहीं करते मैं खाना रोटे सेट की जो तो कहते खाना रोटे खाई हो या रात को लेट जाइए तो या तो घरे पर ऐसा 8 बजे अगर कोई हमारा वाला वालों में तो नहीं हमारा भी लंबा टाइम उनकी बढ़वा तो सेट हो तो आना एक चीज़ का सपोर्ट किया आना चाहिए मान लीजिए कि मर दिए बेटा उनकी बढ़ दियो तो क्या पंखा भी बंद करें डाल दियो बटे मारते तो पंखा गलाना ही था हमें तो फौरन ठीक है ए सी मिली हुई है बाकी गन से मैं आना सपोर्ट की तो अनसीन मारे में नहीं था मैं ठीक है ना रिक्शा एक था हाथी अच्छा मुंह तो आना फुल सपोर्ट किया ना पहली चीज आएगा ना लाइब्रेरी से बनेगा क्या भनवारे में होना अपना कसर नहीं रहा अपना गीत गण सिलेक्शन लेना है मैं सिलेक्शन अगर कम समय में लेना है तो एक चीज़ ध्यान रख लियो कि मुँह बहुत कम बड़ी हो पर कम समय में अगर सिलेक्शन लेना तो आज के टाइम में स्मार्ट स्टडी हो अगर आज से बेटा मजदूरी करी हो अपना आगे का जहाँ बनना है बड़ी मोटी मोटी किताब पर करिए मत पढ़ती हूँ स्मार्ट स्टडी करो जो कंटेंट आ रही है वही बनो मैं अच्छा अच्छा राइटर हूँ पढ़ो मैं बढ़वा कोई कसर नहीं रहा हमें जैसे वैकेंसी आवा है सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड आर एस की भी वैकेंसी आवा है तो जो भी वैकेंसी आवा है समय में पहले आपके क्षेत्र में आए सबसे बढ़िया चीज़ है बाकी आगे जो थोड़ा स्पीड तो है मैं फोन लागे घना खड़ा की तो साफ ही वाले पर जाऊँ हालांकि सब के ना आवा थोड़ा थालू दिमाग टूट गया मैं तो पौने को पान उठा दूँ क्या थोड़ा धंधा नहीं हो रहा बाकी हमारा सपोर्ट पढ़ाई में पौधा भूल नहीं पा कोई आदमी जो रात का लंबे नाइट मुझे पढ़ना था तो वह आटा कोई रूम ले दे तो वह तो बना हार गया फूल कॉम्प्लीट ही चाहिए तो हम देख रही थी आराम से 1 बजे भी बना रहा था 2 बजे तक बनाओ मैं लास्ट एग्जाम में 15 दिन पहले तो मैं 2-3 बजे भी अटे लेता पढ़ता मैं सुबह आपका थोड़ा लेट आता आना मन बिस्तर ला रहता जी कहता कहता है भूए रखो आराम से भूओ भले उठो बाद में तुम सब बढ़िया लाए तो कॉम्प्लीटिव पर है बाकी बढ़ो अपने मानते रहे बाकी भले कोई चीज़ की कमी रहता हूँ सारे कहना पड़े कुछ गाइडेंस वालों की बहुत है हम नॉलेज भी है कॉम्पिटिशन की करें बाकी आप मैं पता चला कॉम्पिटिशन की तैयारी करेंगे कोई है गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी करेंगे नहीं है छोटा सभी गवर्नमेंट और भी बढ़िया जैसे छोटा छोटा देखा ही है क्या नहीं तैयारी करो सी एस सी अच्छा एस टी सी सी एस सी सी तैयारी करना होता कोई कसर नहीं रहा कि बस रोज लगा कि आज का समय स्मार्ट स्टडी का है टेस्ट पेपर बहुत ज़्यादा मिला हो अगर मुँह पर मारा बैठती तो अनुभव हो गया तो एक ही चीज कोई गाँव में देखें सिलेबस बहुत बार आप पढ़ चुके हो मान लो आपने रिविजन बहुत बार कर लिया अगर मान लो अगर मैं पूरा सिलेबस रिविजन करवा दूँ नोट्स की तो मानी है कि कम से कम 1 महीना तो कम से कम सिलेबस को रिविजन करने में लग गया तो आप इतना समय लास्ट में वेस्ट मत करो टेस्ट पेपर लाओ ये टेस्ट पेपर दो उसको सुबह ईमानदारी के साथ जैसे अपन एग्जाम ही भेजे एग्जाम में निकल गया उसके एकदम टेस्ट दे उमा सीट लाने पूरी बड़े उमा सीट ने भरो बड़े भरवा को दिन था कि आऊँ सारा मैं कुछ सौंपी तो सारा कुछ की तो साथ के नाम थोड़ा दिमाग फ्रेश हूँ फ्रेश हुआ बाद में कहा तो मैंने मलाम आंसर की तो आपने मेरे पता सवाल सही भेजिए बट मैं तो सवाल सही के बाद मैंने मैंने छोड़ू नहीं घना जाना क्या करा कि मैंने टेस्ट बिल्कुल मैंने छोड़ी तो अपना नंबर आ गए और मैंने चिंता किया कभी कमी पूरी करी अगर हमने बात अपने उन्हें सोमवार सीधे पूछे पॉइंट करना है जैसे मान लो कि आजकल सवाल ये नहीं आता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ आजकल सवाल ऐसे आता है कि मारना प्रताप के साथ भिन्न होने से कौन सा युद्ध शामिल नहीं था भाई ऐसे सवाल आते हैं तो इस प्रकार के सवाल अगर हल बन गए तो अपने जैसे मान लो मेरे को मारना पसंद नहीं आ रहा है तो उसको ओमा सीट के पीछे लिख दोगे ये टॉपिक मेरे नहीं हुआ और उसी दिन वही टॉपिक क्लियर करना है मान लो गणित के कोई प्रश्न आने जैसे उसका सवाल टूट गया उसी दिन में क्लियर करो यानी कि आपका एक दिन में पूरा सिलेबस रिविजन हो रहा है और ऐसे ऐसे करते करते अगर आपने 30 दिन में 30 टेस्ट दे दिए तो एक पेपर में 150 प्रश्न होते हैं 30 दिन में होते सीधा 4500 प्रश्न मतलब आप तो सिलेक्शन के दौर में आ जाओगे बहुत गंदी बात और कोई प्रश्न पीछे टॉपिक बचेगा ही नहीं कौन सा बचाएगा भी अपने खबर करने में बाकी पूरा रिविजन करने जाओगे महीना लगेगा दूसरी बार रिविजन करोगे भले 15 दिन लगे लेकिन ऐसे क्यों रिविजन करना है एक टेस्ट दो पूरे सिलेबस का रिविजन करो दूसरे दिन वापस टेस्ट दो सिलेबस का रिविजन करो 10 टेस्ट होने के बाद में आपको खुद को लगेगा कि वही सवाल रिपीट हो रहा है वही टॉपिक रिपीट हो रहा है और ये बहुत फायदा करेगा स्मार्ट तरीके से पढ़े करो सिलेक्शन लेना बहुत बड़ी बात नहीं है हो जाएगा थोड़ा आध्यात्मिक भी होना जरूरी है थोड़ा भगवान के प्रति
किया करो, ये बहुत जरूरी है, वास्तविकता कह रहा हूँ मैं, आध्यात्मिक भी बनो और पढ़ाई भी किया करो। धन्यवाद।